तो चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान से तस्वीरें, किस तरह से तैयारी की गई है, कितने उत्साहित हैं लोग दीपोत्सव के पर्व के लिए। अलग अलग संभाग से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। आपको बता दें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले। सबसे पहले आपको कोटा ले चलते हैं, जहाँ से हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की रौनक आज बाजार में देखने को मिल रही है, कितना उत्साह लोगों के अंदर, क्योंकि कल देखिए भारत भी जीती है, उसको जोड़ा जा रहा था दीपावली से कि डबल जश्न मनाया जाएगा, साथ ही कोरोना के बाद अब ये जो दिवाली है ये अपने आप में एक खास त्योहार मनाया जाएगा। देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि इस बार की दिवाली बिना पाबंदियों वाली, क्योंकि दो साल हमने कोरोना के देखे तमाम तरह की पाबंदियां और तमाम तरह की बंदिशें देखी, लेकिन इस बार की जो दिवाली है वो बिना पाबंदियों वाली है, तमाम खुशियां लेकर के आई है। बाजारों में जो रौनक और रंगत हमने देखी कि पूरी तरह से बिखरी हुई थी, जमकर के बाजारों में खरीदारी हुई और आज सबसे अहम दिन दीपोत्सव के जो पर्व है उसमें दिवाली का जो आज त्यौहार है उन सब के बीच में आज देवी लक्ष्मी की पूजा होनी है। और फिलहाल एक बाज़ार में हम लेकर के आए हैं जो अपने आप में खास है, जिसकी मान्यता भी अपने आप में खास है। आप देखेंगे कि आज शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा होनी है और वो तमाम चीज़ें जो इनसे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, ये कमल का फूल है, देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, उनकी पूजा में विशेष करके चढ़ाया जाता है और इसकी जो खरीदारी है वो बाज़ार में जम करके हो रही है। एक तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये देखिए आप, ये बेर है, ये सिंगाड़ा है, आंवले का भोग भी देवी लक्ष्मी को लगाया जाता है। तो ये तमाम वो चीज़ें ज्वार से लेकर के तमाम वो चीज़ें जो देवी लक्ष्मी की पूजन में काम में ली जाती हैं, जो देवी लक्ष्मी को अर्पित की जाती हैं, ये गन्ना आप देख सकते हैं, गन्ना भी रखने का विधान देवी लक्ष्मी की पूजा में है। तो इन सब की जो खरीद है वो बाज़ार में यहाँ पर जम कर के हो रही है। ये पूरा की पूरा बाज़ार इस वक्त सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इन सब के साथ में आप देखिए कि जमकर के खरीद इनकी हो रही है, जमकर की खरीद जो है वो दिन भर रहने वाली है। देखेंगे आप, ये आज के दिन के लिए कोशिश लोगों की होती है कि फूल बाज़ार जो है वो जमकर के यहाँ पर आज इस बाज़ार के अंदर भी रंगत रहती है। हर कोई चाहता है कि आज उनके जो घर है वो देवी लक्ष्मी का आगमन हो, आगमन के लिए घर की जो सजावट है वो अलग अलग तरह के फूलों के साथ में की जाती है, अलग अलग जो बांदरबार है वो घर पर लगाई जाती है। तो देख सकते हैं आपकी फूल मालाएं जो हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं, बांदरबार जो हैं वो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं ताकि देवी लक्ष्मी का शुभ आगमन उनके घर पर हो, किसी तरह से जो सुख समृद्धि है वो उनके घर पर आए और इसी के लिए लोग जम करके यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। आज देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, क्या क्या चीज़ें खरीद ली, क्या क्या लेकर के जा रहे हैं? यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें जो पूजा में जितनी भी सामग्री इकट्ठी होती है वो सभी चीज़ें हमने एकत्रित करी है, जैसे कि लक्ष्मी जी के चढ़ने वाला कमल का फूल है और मालाएं हैं और जो बेर और सिंगाड़े और जितनी सुपारी उपारी है वो सभी चीज़ें हमें एकत्रित की है। इसके अलावा लक्ष्मी जी का पाना, गन्ना जो लक्ष्मी जी के लिए चढ़ाया जाता है वो सब हमने एकत्रित किया है, पान होता है जो लक्ष्मी जी के लिए चढ़ाया जाता है, तो वही सभी सामग्री हम एकत्रित कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी है पर इन चीज़ों को एकत्रित करने का भी अपना ही एक मज़ा है, दिवाली का आनंद उठाने का। बिल्कुल, इन सबके साथ में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं जिनका भोग देवी लक्ष्मी को लगाया जाता है। और फिलहाल देख सकते हैं आपकी लगातार हम कैमरा मूव करके दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ की जो खरीद है वो इस बाज़ार के अंदर हो रही है, तरह तरह की फूल मालाएँ, तरह तरह के भगवान देवी लक्ष्मी के जो भोग, भगवान देवी लक्ष्मी को चढ़ाया जाने वाला कमल का फूल। देखिए आप, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा विशेष करके इस कमल के फूल को दिखाएं। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को ये कमल का फूल अगर अर्पित कर दिया जाए तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, विशेष आशीर्वाद देवी लक्ष्मी का जो है तमाम भक्तों को मिलता है। आज के दिन के लिए क्या मान्यता है, कमल का फूल लिया है, इसकी क्या मान्यता है, क्या क्या चीज़ लेकर के जाने वाले हैं आज आप? कमल का फूल की मान्यता है कि शुभ दीपावली में अच्छा शुभ रहता है, इसमें क्या दिवाली के लिए काफ़ी बरकत वगैरह रहती है। बिल्कुल, तो देखिए ये मान्यता है और इस मान्यता के साथ में लोग जो है वो बाज़ारों में हैं, बाज़ारों में जम करके जो खरीद है वो चल रही है। फूल देख सकते हैं आप अलग अलग तरह के, जिनको ले जा करके घर की सजावट आज लोग करने वाले हैं, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष पूजन देवी लक्ष्मी का होगा उनके लिए तमाम जो तैयारियाँ, तमाम जो खरीद का दौर फिलहाल कोटा के बाज़ारों में चल रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। और दर्शकों को ले चलते हैं उदयपुर, जहाँ से हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अविनाश, अगर उदयपुर की बात करें तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है,
पहले के मुताबिक इस बार कितना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर? आज बिल्कुल देखिए उत्साह लोगों का उदयपुर से भी दिखाते हैं, और मैं अभी उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में खड़ा हूँ। एकमात्र मंदिर है जहाँ पे कि महालक्ष्मी जी का उदयपुर शहर में ये मंदिर है, और दीपावली का पर्व है, ऐसे में माता महालक्ष्मी को आज विशेष श्रृंगार यहाँ पर धारण कराया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं माता महालक्ष्मी के, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल तक मंदिर के अंदर आके भक्त दर्शन नहीं कर पाए थे, और आज जब पूरी तरह से छूट हुई है तो सहयोगी हिमांशु ने कोटा के बाजारों का नज़ारा दिखाया, और मैं उदयपुर में माता महालक्ष्मी के मंदिर का जो है वो नज़ारा आपको दिखाता हूँ। लंबी लंबी कतारें माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर अपने परिवार के साथ माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और जो उत्साह है वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह 2 साल तक ना ही वो त्यौहार पूरी तरह से उत्साह के साथ मना पाए थे और ना ही माता महालक्ष्मी के दर्शन यहाँ पर कर पाए थे। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो एक लंबी कतार भक्तों की यहाँ पर नज़र आ रही है, सब कतारबद्ध खड़े हुए हैं माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। कमल के पुष्प यहाँ पर भक्त लेके आए ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करेंगे, सब दीपावली की शुभकामना क्या कहेंगे, आज आप दर्शन करने आए क्या वर मांगे? ये सभी देशवासी खुश रहे, आराम से रहे और सबकी खुशहाली रहे। क्या कहेंगे सब दीपावली का पर्व दर्शन करना? बहुत खुशियों का त्यौहार है, अच्छा दीपक है भगवान, अच्छा सबको लक्ष्मी माता के दर्शन करने आए हम भी। आप क्या कहेंगे सब, किस तरह से उत्साह है 2 साल बाद इस तरह से दीपावली आया? बहुत उत्साह है क्योंकि 2 साल कोरोना चक्कर में दीपावली अच्छी तरह से नहीं मिला, उत्साह उमंग के साथ मना रहे। धन्यवाद। बस बिल्कुल देखिए लोगों में भी उत्साह साफ नज़र आ रहा है, एक लंबी कतार मंदिर के यहाँ पर है, और आज पूरे दिन यहाँ पर इसी तरह से भक्तों की कतार लगेगी। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी, अभी कुछ देर पहले आरती की गई थी, शाम को महाआरती का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, रात 12 बजे तक दर्शन चलेंगे क्योंकि कल ग्रहण लगेगा। ऐसे में अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन होता है वो इस बार लाभ पंचमी के दिन किया जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि आज दीपावली का पर्व है और पूरे बाजारों में रौनक है, और यही रौनक अब मंदिर में भी देखने को मिल रही है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, धन की देवी है, धन की वर्षा सभी के घर में हो, प्रदेश देश में खुशहाली हो, ये तमाम प्रार्थना यहाँ पर माता महालक्ष्मी के मंदिर में पहुँचने वाले भक्त कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल अविनाश, नज़र बनाए रखिए, लौट कर आऊँगी आपके पास। लेकिन दर्शकों को एक तस्वीर जोधपुर की भी दिखाते हैं जहाँ से हमारे संवाददाता भवानी भाटी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, क्या जोधपुर की तस्वीर भी उदयपुर जैसी ही है? क्या जोधपुर में भी इतनी रौनक देखने को मिल रही है? देखिए पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से दीपोत्सव का पर्व था और आज जो दीपावली का अवसर है, सुबह से ही अगर बाजारों की बात करें तो जो बाजार है वो पूरी तरह से सजे हुए हैं। बाजार में जो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी हो, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, ऐसे में जो है सुबह से ही खासतौर से जो पूजन सामग्री है वो खरीदने के लिए लोग यहाँ पर बाजारों में पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही अगर पटाखों की बात करें तो जो पटाखों की खरीद के लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही दुकान के बाहर पहुँच रहे हैं। हम अभी जो जोधपुर का पावटा बस स्टैंड है इस इलाके में खड़े हैं, जो लोग जो है सुबह से ही जिनको अपने घरों की तरफ जाना है उससे पहले वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे मिठाई की बात करें, चाहे पटाखों की दुकानों पर करें, तो लगातार जो लोग हैं वो सुबह से खरीदारी, कहीं ना कहीं जिस 2 साल के बाद में जो एक पाबंदी हटी है और उसके बाद जो दीपावली का पर्व आया है उसको लेकर के खासा लोगों में यहाँ पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और लोग ये आज चूँकि महालक्ष्मी का पूजन है तो जब शुभ मुहूर्त में जो पूजा है वो पूजा होनी है, उसके लिए यहाँ पर पूजन सामग्री जो लोग हैं वो खरीदने के लिए भी पहुँच रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पूजन सामग्री है, खासतौर से जो कमल का फूल है या जो अन्य सामग्री है, पूजा की जो सामग्री है, खासतौर से जो पुष्प है वो खरीदने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दुकानें पूरी तरह से सजी, हालांकि सुबह का समय है, जो लोग हैं वो लगातार एक एक करके घरों से जो सामग्री है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों में जिस तरह से 2 साल से जो पाबंदी थी कोरोना काल के दौरान, वो उस
तरह से दीपावली नहीं मना सके थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब उत्साह नज़र आ रहा है कि इस बार वो बिना पाबंदी के जो ये पर्व है उसको सेलिब्रेट कर सके। जी आयुष जी बिल्कुल, त्रिभुवन आप भी बने रहिए हमारे साथ, लौट कर आऊँगी आपके पास, एक बार फिर से रुक करूँगी। हिमांशु आपका, कोटा से आपने तस्वीरें दिखाई थी कि कितना लोगों के अंदर उत्साह है और किस तरह से लोग जोश में नज़र आ रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं और ऐसे में जब इतनी रौनक हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की रात कितनी ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि 5 दिन का जो ये पर्व है दीपोत्सव का, इन सब के बीच में जब दिवाली का त्यौहार आता है, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना जिस दिन होती है, वो दिन सबसे खास होता है, क्योंकि हर किसी की कामना मनोकामना यही होती है कि सुख समृद्धि के साथ में देवी लक्ष्मी का जो आगमन है वो उनके घर में हो, सुख शांति के साथ में जो संपदा है वो उनके घर आए, उसका आगमन उनके घर पर हो। और ऐसे में हर किसी की तरफ से लंबी तैयारी की जाती है इस पर्व के लिए, क्योंकि साल का सबसे बड़ा त्यौहार पर्व होता है, लंबे समय से घर की साफ़ सफाई की जाती है, आज देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी भरपूर तरीके से की जाती है ताकि देवी लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिले, कि घर का जो धन धान्य का भंडार है वो हमेशा भरा रहे। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि जो रंगत है वो आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन 10 बजे से ही लोगों की जो भीड़ है वो बाज़ारों में आप देख सकते हैं, लोग अपनी पूजा के अनुसार जो है वो अलग अलग तरह के जो फूल हैं वो लेकर के जा रहे हैं। देवी, ये देखिए आप, ये देवी लक्ष्मी का पाना है जिसको घर पर लगा करके देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, एक तरफ देवी सरस्वती है देवी लक्ष्मी और भगवान गणपति, तो इस तरह के जो पाने हैं वो बिक रहे हैं, पान देवी को भोग स्वरूप में चढ़ाया जाता है वो आप देख सकते हैं, कि घर पर घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर बांदरबार जो है वो लगाई जाती है और वो आप देख सकते हैं कि वो उसकी खरीद भी यहाँ पर हो रही है। मैंने बताया कि कमल के फूल का विशेष विधान होता है, कमल का फूल देवी को सबसे प्रिय होता है, उसकी खरीद जो है वो यहाँ पर जमकर की जा रही है। और ये वो तमाम चीज़ें, चाहे सिंगाड़ा हो, चाहे मूंगफली हो, आंवला हो, बेर हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो देवी लक्ष्मी को जब विशेष भोग अर्पित किया जाता है। बिल्कुल हिमांशु, लौट कर आऊंगी मैं आपके पास और एक तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं बीकानेर की, जहां से हमारे संवाददाता त्रिभुवन रंगा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन, बीकानेर की अगर हम बात करें तो वहां पर कितना उत्साह और कितना जोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है दीपोत्सव को लेकर? जी आयुषी, बीकानेर में पूरी तरह उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार जो दीपावली आई है वो बड़ी खास है, क्योंकि कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है और ना ही कोई तरह की गवर्नमेंट की वो पाबंदी है। आप अब देख सकते हैं हम खड़े हैं एक ऐसी दुकान पर जहाँ पुष्प बिकते हैं, क्योंकि आज जो माँ लक्ष्मी है उसको पुष्प अर्पित किए जाएंगे, फटाके हैं चाहे मिठाई है उनकी तो बिक्री हो ही रही है, साथ साथ पुष्पों की बिक्री भी हो रही है। जिस तरह से हमारे साथी हिमांशु बता रहे थे कि जो आज विशेष जो महत्व है वो कमल के फूलों का है, लोग इनको ले रहे हैं विशेष रूप से कमल के फूलों को, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और धन और समृद्धि के लिए इसका विशेष महत्व बताया जाता है। और जो दर्शक है वो भी देख रही हैं कि जो कमल के फूल है उसको लेकर विशेष महत्व इस बार किया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ की बिक्री रही है, किस तरह का यहाँ का माहौल रहा है। सर, किस तरह की बिक्री रही है इस बार पुष्पों को लेकर और कमल के फूलों को लेकर? काफ़ी लोग उत्साहित हो रहे हैं, कोविड के बाद पहली दिवाली है ये, इस बार फूल बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या गुलाब 500 रुपये के जी बिक रहा है, गेंदा 100 रुपये के जी बिक रहा है, कमल का फूल 70-80 रुपये के जी बिक रहा है। लोगों में उत्साह कितना है? कोविड के बाद माहौल थोड़ा गड़बड़ाया, व्यापारी वर्ग की कमर टूटी हुई है इस बार, क्या अब पता चल रहा हमें। लोग खरीदारी कर रहे हैं अभी भी? हाँ, कर तो रहे हैं, अपनी मूलभूत सुविधाएँ तो लेंगे लोग। कमल के पुष्प को लेकर काफ़ी लोग आ रहे हैं, इसको कितनी बिक्री हो रही है इसकी आज के दिन? कमल पुष्प का इन दिनों में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है दीपोत्सव में, लक्ष्मी पूजन के लिए ये जी बिल्कुल। त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हिमांशु आपका भी धन्यवाद।